हेलो ऑल, वेलकम टू वाओ कुक स्टूडियो चैनल। शेफ दीपाली हियर एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेल होममेड चॉकलेट। अगर आप होममेड चॉकलेट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हो या पहले से आप ऑर्डर्स ले रहे हो और आप आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। स्टेप नंबर वन, मार्केट रिसर्च। होममेड चॉकलेट सेलिंग करने के लिए मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस भी एरिया से या सिटी से ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वहाँ पे कस्टमर की डिमांड क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड की जाती है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आप गूगल पे ये सारी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। होममेड चॉकलेट्स नियर मी, चॉकलेट शॉप्स नियर मी, ऐसे करके आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के एक प्राइमरी इंक्वायरी उनसे करके आपको रेट्स के बारे में और कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा चल रही है उसके बारे में पता चल सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप क्या अलग कर सकते हो, आपके रेट्स क्या अलग हो सकते हैं और आप क्या यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो इसके बारे में स्टडी करना है और बाकी इन्फॉर्मेशन हम आगे देखने वाले हैं। स्टेप नंबर टू, डिफाइन योर नीश एंड ब्रांड। मार्केट रिसर्च करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, हमें हमारा ब्रांड एंड नीश डिफाइन करना होता है। जैसे कि मार्केट में जो चल रहा है, जो डिमांड में है, उससे हम क्या अलग दे सकते हैं, क्या बेस्ट दे सकते हैं, क्या बेटर दे सकते हैं, इसके ऊपर हमें स्टडी करना होता है। उसके लिए आपको आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट फाइनल करना है, डिसाइड करना है एंड उसके बाद आपको एक अच्छा सा ब्रांड नेम और लोगो फाइनल करना है जो आपके यूनिक स्टाइल को मैच कर सकता है। फिर आपको उसी नाम और लोगो को यूज करके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, आपका प्रेजेंस क्रिएट करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एंड यूट्यूब पे आपको अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। उसी के साथ साथ आप एक अच्छा सा सिंपल सा वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। स्टेप नंबर थ्री, लाइसेंस एंड परमिट। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग अगर आपको फूड बिजनेस करना है तो कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस एंड परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है FSSI, जिसे फूड लाइसेंस बोला जाता है। सेकेंड जो है वो है शॉप एक्ट लाइसेंस, जिसे गुमास्ता भी बोला जाता है। एंड थर्ड इज उद्योग आधार। ये तीनों लाइसेंस अगर आपको फूड बिजनेस करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके हिसाब से ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हो या फिर आपके स्टेट के हिसाब से या फिर सिटी के हिसाब से आप किसी एजेंट के थ्रू भी करवा के ले सकते हो। स्टेप फोर, सेट योर प्राइजेस। कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए मार्केट में आपको आपका प्राइस सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट कॉस्ट आ रहा है फर्स्ट आपको उसे निकालना होगा। उसके ऊपर आपको आपका लेबर चार्ज ऐड करना है, उसी के साथ आपको पैकेजिंग चार्जेस ऐड करने हैं। इसकी टोटल करने के बाद उसके ऊपर आपको आपका मार्जिन डिसाइड करना होता है। इसी तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है उसकी कॉस्टिंग निकालनी होती है। मार्केट में आप नए हो और लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो हमेशा मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उससे हमेशा आपका मार्जिन जो है वो कम होना चाहिए। स्टेप नंबर फाइव, डेवलप स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। अगर आपको होममेड चॉकलेट बिजनेस सक्सेसफुली बिल्ड करना है तो आपको आपके कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। हमेशा आपको उनके फीडबैक्स एंड सजेशन के ऊपर काम करना है और एक प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपके क्लाइंट्स आप ही को प्रेफर करेंगे। स्टेप नंबर सिक्स, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आपको होममेड चॉकलेट प्रॉपर वे से सेल करने हैं, इसमें आपको ग्रो करना है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको फाइंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके एरिया में जो भी स्वीट शॉप, गिफ्ट शॉप है जहां आप चॉकलेट सेलिंग के लिए रख सकते हो, वहां पे कुछ सैंपल्स आपको रखना है। उसी के साथ आपको आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी इसके बारे में बताना है, जिससे आपके चॉकलेट बिजनेस में आपको सेलिंग के लिए एक बेनिफिट मिल सकता है। स्टेप नंबर सेवन, अट्रैक्टिव पैकेजिंग। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैकेजिंग, और जितना अट्रैक्टिव एंड जितना प्रोफेशनल पैकेजिंग आप मार्केट में लाओगे उतने आपके प्रोडक्ट को और ब्रांड को आप हाईलाइट करोगे। आपके प्रोडक्ट्स उस पैकेजिंग को देख के ही सेल होने वाले हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा डिटेल में काम करना होगा हमारे पैकेजिंग के ऊपर। एंड पैकेजिंग में बहुत बेसिक पैकेजिंग भी होती है, बहुत एडवांस पैकेजिंग भी होती है। तो आपका प्रोडक्ट आपको क्या लेवल पे सेल करना है, किस मार्केट में सेल करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, उसके ऊपर भी आपकी पैकेजिंग डिसाइड होती है। तो इसे भी आपको
डिसाइड करके लेना है। इसके लिए आपकी पैकेजिंग, आपका लोगो इतना अट्रैक्टिव एंड इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी अगर वो लोगो या पैकेजिंग देखता है तो उसके पीछे आपका पैशन, उसके पीछे टेस्ट समझ में आनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब करने के लिए ना पैकेजिंग डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर लोगो डिज़ाइनर्स होते हैं या पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैकेजिंग के बारे में जो ज़्यादा जानता है उनको आप हायर करके ये सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हो एंड आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो और एक चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट होती है कि आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है वो कौन से मार्केट में, कौन से प्लेटफॉर्म में सेल करना है, उसके ऊपर भी उसकी ब्रांडिंग, उसकी डिज़ाइनिंग डिसाइड होती है। तो फर्स्ट आपको आपका प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना है वो भी डिसाइड करके लेना है, जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया। उसके ऊपर आपको पैकेजिंग करना ज़्यादा ईजी जाएगा। स्टेप नंबर 8, ऑफर डिस्काउंट एंड प्रमोशंस। जब भी हम मार्केट में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ परचेस करने के लिए जाते हैं तब हम हमेशा ऑफर चेक करते हैं, कुछ प्रमोशन है या नहीं वो चेक करते हैं। तो वैसे ही हमें हमारे कस्टमर को हमेशा कुछ ऑफर, प्रमोशन ऑफर देते रहना चाहिए। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो ये थे हमारे होममेड चॉकलेट सेलिंग करने के लिए बेसिक 8 स्टेप। आई होप आपको ये हमारे बेसिक 8 स्टेप जो है वो पसंद आए रहेंगे। सो प्लीज़ इसे फॉलो करो, आपके बिजनेस में इसे इंट्रोड्यूस करो एंड आपके बिजनेस को ग्रो करो। आगे ऐसे ही हम और एक दो वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे चॉकलेट सेलिंग करना है ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।